हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए बेहतर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैन और कुड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यानी कैन और कुड में डिफरेंस क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, आज हम बखूबी तरीके से जानेंगे। आपने बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन शायद आपको यहाँ से कुछ अलग ही तरीके से आपको बताया जाए। दोस्तों, ओके। सो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों, ओके। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैन और कुड का प्रयोग कब किया जाता है, किस कंडीशन में कैन और कुड का प्रयोग किया जाता है, यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो दोस्तों, जो कैन और कुड का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में योग्यता, योग्यता मीन्स एबिलिटी, ओके, क्षमता एवं मजबूरी का भाव स्पष्ट हो, का भाव प्रकट हो, वहां पर कैन एंड कुड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, क्या योग्यता, क्षमता, मजबूरी आदि का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, कैन या कुड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कैन और कुड। देखो, दो वर्ड है, कैन है एक और दूसरा क्या है, कुड है। तो दोस्तों, कैन जो होता है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ओके, यानी जब कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो, यानी प्रेजेंट टेंस, ओके। और कैन का मतलब होता है जो शाब्दिक अर्थ होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, ओके, ये इसका प्रयोग किया जाता है इस अर्थ में। और कुड का प्रयोग मैंने बोला पास्ट में किया जाता है, पास्ट मतलब था मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी सकती सकती थी, ओके। तो दोस्तों, आई होप आपको कैन और कुड में बखूबी तरीके से मैंने अंतर समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, तो चलो एग्जांपल के माध्यम से बोलते हैं। आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ मतलब मैं सांस नहीं ले सकता हूं, मैं सांस नहीं ले सकता हूं, आई कैन नॉट ब्रीद। आगे है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं ना, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं। और आगे है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। आगे दिया गया है आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ये क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। दोस्तों, योग्यता पूछी जा रही है। और आगे देखो, देखो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, मतलब उससे उसकी क्षमता पूछी जा रही है कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, ओके, अनुरोध एक प्रकार से किया जाता है, रिक्वेस्ट। आगे देखो कुड, कुड का प्रयोग मैंने बोला सकता था, सकती थी, सकते थे, क्या तुम्हें पास्ट टेंस में किया जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों जैसे दिया गया है सी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज, वह कई भाषाओं में बोल सकता है, ये सॉरी बोल सकती है। देखो यहाँ पर सी दिया गया है, सी मीन्स सी क्या है, सी क्या है बच्चों, सी है फेमिन जेंडर, फेमिन जेंडर मतलब सकती हूं, वह कई भाषाओं में बोल सकती है, सकती है, ओके। आगे दिया गया है दे कुड नॉट डांस वेरी वेल, वह भली प्रकार से डांस नहीं कर सकती है, वह भली प्रकार से, वह अच्छी तरह से डांस नहीं कर सकती है, या सॉरी नहीं कर सकती थी, है नहीं थी, कुड का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, कुड मीन्स पास्ट, तो मतलब थी। आगे बी कुड मीट एट द वीकेंड, वीकेंड देखो बच्चों क्या होता है, वीकेंड मीन्स होता है जो सप्ताह का आखिरी दिन, सप्ताह का आखिरी दिन से पहले, यानी शनिवार, शनिवार को वीकेंड बोला जाता है, ओके, वीक एंड यानी वीक का एंड समाप्त होना, तो द वीकेंड मींस शनिवार, ओके। तो बी कुड मीट एट द वीकेंड, मैं वीकेंड को मिल सकती, मतलब हम वीकेंड को मिल सकते थे, हम वीकेंड को मिल सकते थे। आगे आई कुड स्विम इन द रिवर, आई कुड स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता था या सकती थी, मैं नदी में तैर सकता था। तो दोस्तों, आई होप आपको कैन और कुड में बखूबी तरीके से मैंने अंतर समझाने की कोशिश की। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में।
कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हो। सो दोस्तों तब तक दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।